तो आप में से ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें अपने म्यूचुअल फंड के अंदर कितने पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक रखने चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, और साथ में ये भी रहता है कि नए नए NFO आ रहे हैं, नए नए फंड आ रहे हैं, नए नए स्टॉक, नए नए मतलब चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोगों का उसकी तरफ भी एक रुझान रहता है कि हमें क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं पे इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों की क्वेरी ज़्यादातर यही होती हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपकी सारी क्वेरीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका अगर हम पोर्टफोलियो डिजाइन करने की बात करते हैं कि भैया हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहता है कि आप यानी बहुत सारे लोग होते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो उनका दो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, एक तो रिस्क और एक होता है गोल। यानी कि आप में से ज़्यादातर लोगों का रिस्क भी अलग अलग होगा। किसी का रिस्क होगा बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले, यानी ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम रिस्क लेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। गोल भी अलग अलग होंगे, तो गोल को हम देखेंगे कि किसी का गोल है कि भाई अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है, किसी का गोल है कि हमें अपना रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, किसी का गोल है कि हमें चार साल के बाद में, फोर ईयर के बाद में, थ्री ईयर के बाद में हमें एक फोर व्हीलर लेनी है, हमें अपना एक घर बनाना है, अपने एजुकेशन या अपना खुद का बिजनेस ओपन करना है, तो उसके लिए। यानी कि गोल और रिस्क सभी का अलग अलग होता है, तो हम इन चीज़ों को एनालाइज करके ही हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड रखना चाहिए कि भैया हमें अपने कितने स्टॉक इसके अंदर म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, सॉरी मैं बारह स्टॉक भूल रहा हूँ, क्या हो गया आज म्यूचुअल फंड हमें कितने पोर्टफोलियो के अंदर रखने चाहिए। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं लार्ज कैप, और इनके हिसाब से आप ये भी सोच सकते हैं कि भैया हमारा रिस्क क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर हम मोटा मोटा देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन तरह के हमारे पास यहाँ पे फंड है, फंड कैटेगरी है। जो लार्ज कैप होता है इसी के अंदर मैं मान लेता हूँ इंडेक्स फंड भी है, ठीक है ना, ठीक है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं मान लीजिए। तो हमारे पास क्या है, तीन फंड होते हैं। अब मार्केट की सिचुएशन अगर हम आज की बात करें, अब की बात करें, और पिछले पाँच साल की बात करें, तो हमारे मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अब रिटर्न किसने ज़्यादा दिए हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले पाँच साल की बात कर लेंगे तो स्मॉल कैप ने, स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 26-27% तक रिटर्न दिए, 28% तक रिटर्न दिए पिछले 10 साल के अंदर स्मॉल कैप ने। उसके बाद में मिड कैप ने रिटर्न दिए हैं, उसके बाद में लार्ज कैप ने रिटर्न दिए हैं। अब ये मार्केट काफ़ी अच्छा रहा था, बुलिश रहा था, इसीलिए तो रिटर्न दिए हैं। अगर ये मार्केट इसी जैसे बुलिश रहा है, अगर इसी तरीके से बेयरिश रहता, यानी कि मार्केट नीचे जा रहा होता, तो क्या होता, हमें जितना ज़्यादा रिटर्न इसके अंदर मिला है हमें उतना ही इसके अंदर नेगेटिव देखने को मिलता, डाउनफॉल देखने को मिलता इसी के अंदर, उससे कम इसके अंदर देखने को मिलता, उससे कम इसके अंदर देखने को मिलता। आपने यह क्या समझा कि जितना ज़्यादा रिस्क है, जितना ज़्यादा रिस्क है और मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहा है तो हम उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं इससे, लेकिन मार्केट अपोजिट है तो उतना ही ज़्यादा हमें लॉस होगा स्मॉल कैप से, ठीक है। तो आपको रिस्क समझ में आ गया कि किसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। अगर मार्केट आपका इस तरीके चल रहा है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, देन कम ज़्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस चल रहा है तो सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे होगा और सबसे कम लॉस यहाँ पर होगा, तो ये आपको रिस्क समझ में आ गया। यानी कि अगर आपका टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड अगर आप एक साल के, दो साल के लिए, तीन साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप लार्ज कैप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और यदि आपका, मैं तो ये कहूँगा लार्ज कैप भी छोड़िए, अगर एक दो साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का गोल है तो आप इंडेक्स फंड के अंदर डाल दीजिए। इंडेक्स फंड के अंदर क्या रहेगा कि आपको 12-13% या 11% आपको रिटर्न मिल जाएंगे अगर आपका एक या दो या तीन साल का पीरियड, टाइम पीरियड है, और आपका रिस्क भी क्या है, कम है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क पोटेंशियल अच्छा है, आप सोचते हैं कि नहीं मेरा रिस्क पोटेंशियल अच्छा है, मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन एक या दो साल के लिए पैसा डाल रहा हूं, तो आप यहां पर कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने यहां पर कर दिया और आपका मार्केट भी बुलिश है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, बैलेंस गुड है। लेकिन अगर मार्केट डाउन चला गया और आपने डाला था पैसा एक या दो साल के लिए, लेकिन आपके अंदर फिर ऐसी कैपेसिटी है कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे चला गया है तो मैं अगले एक दो साल के लिए और इसके अंदर पैसा पड़े रहने देता हूँ और मैं होल्ड करके रख लेता हूँ, जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा मैं पैसे को निकाल दूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि मैं दो साल के लिए पैसा डाल रहा हूँ, दो साल का पैसा मुझे निकालना ही पड़ेगा चाहे फायदा हो या नुकसान हो, तो आप फिर इसको अवॉइड करिए, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है कि आपका टाइम पीरियड एक से तीन साल के बीच में है, तो आप इसको कंसीडर करने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, ठीक है ना।
उसके बाद में आप 3 से 5 साल का टाइम पीरियड तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसको मिनिमम आप मान के चलिए कि 5 से 7 साल का अगर टाइम पीरियड है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए तो आप स्मॉल कैप कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर भी भले ही आप 5 से 7 साल के लिए आपका टाइम पीरियड है इन्वेस्ट करने का, तो सारा पैसा आपको यहाँ पर भी नहीं डालना है, ठीक है ना। टाइम पीरियड भले ये वाला है लेकिन सारा पैसा आपको यहाँ पर भी नहीं डालना है, सारा पैसा यहाँ पर भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, हमें ओवरऑल जो होता है हमें प्रॉफिट कमाना है। ओवरऑल क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। अभी मार्केट मान लीजिए बुलिश है तो हमें इसके अंदर 28% का रिटर्न मिल गया, यहाँ पर हमें 21% का रिटर्न मिल गया, मान लीजिए एवरेज लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको 17% या 16% का रिटर्न मिल गया आपको। लेकिन मार्केट अगर वेरिस होता, मार्केट अगर डाउन मार्केट में होता तो आपको यहाँ पर रिटर्न अच्छे नहीं मिल पाते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो मैं डाउन मार्केट की बात कर भी लूँ तो मान लीजिए मार्केट बेकार चल रहा है तो आप 15% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है मान लीजिए 16% के, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 14% का रिटर्न मिल रहा है अगर मार्केट बेकार है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाइवर्सीफाई करके रखना है मार्केट को, अपने पैसे को डाइवर्सीफाई करके रखना है, तो जिससे क्या हो कि आपको कम से कम 15 से लेकर 16% का रिटर्न मिल जाए। अब 15 से 16% का रिटर्न कब मिलेगा, जब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर तीनों तरह के फंड रखेंगे, आप स्मॉल कैप भी रखेंगे, मिड कैप भी रखेंगे और लार्ज कैप भी रखेंगे। अगर आपका मार्केट अच्छा है तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, यहाँ से कम मिलेगा, यहाँ से कम मिलेगा, तो एवरेज आप निकालोगे तो 16-15% मिलना चाहिए। मार्केट डाउन चल रहा है तो यहाँ से कम मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ पर आपका रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी है क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर रिटर्न आपका लगभग 14-15% का आपको मिलता रहेगा। तो एवरेज देखेंगे आप तो 15-16% का रिटर्न मिलना चाहिए। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका पोर्टफोलियो के अंदर कितने फंड होने चाहिए, ठीक है, रिस्क समझ लिया, गोल समझ लिया, टाइम पीरियड समझ लिया, तो अब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कितने फंड होने चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सपोज दैट आप अगर 10,000 रुपये हर महीने कर रहे हैं, चलिए पहले बात कर लेते हैं, सिर्फ आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1K आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनली 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका टाइम पीरियड अच्छा खासा है जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 साल, तो आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, टाइम पीरियड कम है आपका तो यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए, आप अपने रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 5 से 7 साल या 10 साल 15 साल 20 साल के लिए डालना चाहते हैं तो आप 500 रुपये यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि 1,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं है बड़ा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं महीने का, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि 10 का 10 स्मॉल कैप में डाल दिया, या 10 का 10 मिड कैप में डाल दिया, या 10 का 10 लार्ज कैप में डाल दिया। हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी है। तो हमें इस 10,000 का क्या करना है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं, और टाइम पीरियड भी आपका अच्छा खासा है 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 4 या 5 हज़ार रुपये आप किस में डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सीफाई हो जाएगा। मान लीजिए 4 आपने यहाँ पे डाल दिए तो आप मिड कैप के अंदर 3 के डाल सकते हैं, और फिर 3 आप डाल सकते हैं लार्ज कैप के अंदर, ये मिड कैप के अंदर हो गया, ठीक है। तो 4, 3, 6, 10 हज़ार रुपये हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 5 इसमें डाल लें तो 500 इसमें से घटा दीजिए, तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप हर महीने, तो आप 3 फंड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पर आपने मान लीजिए 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 या 15 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। अगर आप 50,000 रुपये कर रहे हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 5 फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, 5 फंड के अंदर, और अपने रिस्क के हिसाब से उस पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 20,000 रुपीज़ आपने स्मॉल कैप, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आपका लॉन्ग टर्म पीरियड का टाइम है, तो 25 आप क्या कर सकते हैं, 20 आप लगा सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको बचा 30,000 रुपये, तो 15-15 करके आप 2 में लगा दीजिए, या फिर आप 10-10 करके आप 3 में लगा दीजिए, यानी कि आपका एक हो गया आपका, सॉरी इसको काट देते हैं, इसका आपका हो गया लार्ज कैप, इसका होगा मिड कैप, इसको आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप 50,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा 5 फंड के अंदर हो सकता है, और यदि आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने के, तो आप 6 फंड ले सकते हैं। यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 6 से 7 फंड के बीच में हों, 6 से 7, दैट्स इनफ। 1,00,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 से 7 फंड होने चाहिए,
इसके अलावा हालांकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी होती है, अपना अपना स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ये मैंने आपको अपना तरीका अपना तजुर्बा बताया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताया मैंने आपको। तो हर कोई, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक एक हज़ार रुपये की SIP 10 फंड के अंदर कर देते हैं, एक एक हज़ार रुपये की SIP 15 के अंदर कर देते हैं, 20 के अंदर कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो ओवर डाइवर्सीफाई हो जाएगा। ओवर डाइवर्सीफाई होने की वजह से क्या होगा कि जो रिटर्न आपको इतना मिलना चाहिए था मिनिमम, वो भी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम इतने 10 या 15 20 म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना, यानी कि आप कम से कम 6 महीने के बाद देखो तो सही कि कौन सा फंड चल रहा है सही, कौन सा नहीं चल रहा है, तो उसको ट्रैक करने में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, यानी कि हमारी हेडेक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इतना पैसा आप इस तरह से फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लमसम करने की बात कर रहे हैं कि भैया आप लमसम करना चाहते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 3 फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 30-30 कर दिया और 40 के कर दिया, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर रिस्क आपका ज़्यादा लेने की क्षमता है तो इसको स्मॉल कैप में डाल दीजिए, अगर रिस्क लेने की क्षमता आपकी कम है तो इसको आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आपको 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं या मैं भी वीडियो बताता हूँ कि भैया आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है, 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 5 या 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं हमें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 से लेकर के 5 फंड हम रख सकते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क है तो भैया ज़्यादा में ज़्यादा पैसा डाल देंगे, कम रिस्क है हमारा तो कम रिस्क वाले फंड के अंदर ज़्यादा पैसा डाल देंगे, मतलब इस तरीके से अपना प्लान कर लेंगे। तो इस तरीके से हालांकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपये के 3 फंड भी चूज करते हैं या 2 भी करते हैं कि भाई 5 लाख इसमें लगा दिया, 5 लाख इसमें लगा दिया, लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि आप 3 से लेकर 5 फंड भी लगा सकते, यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका 10 लाख की कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी, जिसके अंदर स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा या फ्लैक्सी कैप भी होगा आपका। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपका, आपने बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भैया इसके अंदर 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगा, मतलब वो कमेंट कर डालते हैं कि हमारे 1 SIP इसके अंदर है, 1 इसमें, तो 10-10, 15-15 फंड होते हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आप मत कीजिए। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने, फिर आपने क्या किया 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो जो आप पैसा बढ़ा रहे हो वो आप इन्हीं के अंदर बढ़ाना आपको उचित रहेगा, ठीक है, इन्हीं के अंदर बढ़ाना उचित रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, आपके स्टॉक के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड है मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।